हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैंने लॉन्ग वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि इतने दिन से बिकॉज ऑफ जॉब एंड पर्सनल रीज़न मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बाय द वे, सो बेसिकली जो मैंने सेल्स भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हर किसी को ये अफोर्डेबल नहीं होता है। सो मैंने मीशो पे एक बहुत ही अच्छा इयररिंग्स का सेट देखा है, सो उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ आपको, जिसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी आएगी एंड ऑल्सो एडेड अ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, जो आप जीन्स या टॉप या अपने स्टाइलिश एंड फैशनेबल आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो, और वो भी एकदम रिजनेबल प्राइस में। सो इंट्रो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो हे गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे ये झुमका, जो एकदम से ऑक्सीडाइज बेस्ड है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक देता है, ज़्यादातर कुर्ती और जीन्स के साथ आप पहन सकते हो इसको। और जब नवरात्रि का फेस्टिवल या कुछ और होता है, जब हम गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, तब आप इसको स्टक कर सकते हो अपने आउटफिट के साथ। सो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस, ये ना एकदम कुर्ती और जीन्स के ऊपर बहुत अच्छा जाने वाला एक झुमका इयररिंग्स है, जो बेसिकली ऑक्सीडाइज बेस्ड है। वैसे तो इसका थोड़ा सा वेट है, बट आप जब इसे ऐसे वेयर करोगे तो बहुत अच्छा आपको फील आएगा, एकदम से फेस्टिव वाला फील आने वाला है आपको, और ये बहुत अच्छा सूट करेगा। आप इसको जीन्स और टॉप पे भी पहन सकते हो, अगर आपका कलर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से मैच करता है तो। सो ये मुझको पड़ा है 193 रुपीज़ में, और अगर आपको ऑनलाइन आप पे करके इसको खरीदना चाहते हो तो ये आपको उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। पर इसका कोड मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, सो आप देख लेना। सो ये बेसिकली बहुत अच्छा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और पहनने के बाद आपको ऐसा फेस्टिव फील होगा। सो ये हमारा पहला इयररिंग्स है। मुझको बेसिकली ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इसको 10/10 देती हूँ, और ये मेरा फेवरेट है। और गाइस, ये है दूसरा इयररिंग्स, जो ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सो आप इसको ऐसे कानों में भी पहन सकते हो, या फिर ऐसे यहाँ पे भी अपने मांग टिके की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा दिखने वाला है, सो इसको भी मैं देती हूँ 10/10। नो, बट एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ये यहाँ से बहुत ही एकदम से सॉफ्ट था, तो मैंने जब एक दो बार इसको पहना तो यहाँ से ये ब्रेक हो चुका था बेसिकली। सो मैं ना इसको 10/10 नहीं दूंगी। सो इसको मैंने फिर बाद में क्राफ्ट करके दूसरे इयररिंग के साथ ऐड कर दिया था, ताकि मैं इसको दूसरी बार पहन सकूँ। सो इसको मैं देती हूँ 5/10, बट बेसिकली ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। लेट्स ट्राई दिस। सो हे गाइस, ये ना आप इसको जो हम चिकन करी कुर्ती के साथ पहनते हैं तो बहुत अच्छा लुक देता है, इसका वाइब ही अलग है। ये देखिए, और ये आपको पड़ेगा 117 में, और बहुत ही बेसिक प्राइस में ये है। ये मीशो के ऐप से मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हो तो उसको आप उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है किसी लिमिट पर, और ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्ट है, जो मुझे भी बहुत पसंद है। और नवरात्रि में तो आप पहन ही सकते हो, आप जीन्स और कुर्ती के सेट के साथ, या फिर कुर्ता सेट, या बेसिकली आप जो कॉटन वेयर करते हो कुर्ता सेट, उससे पे भी आप पहन सकते हो। और गाइस, ये लास्ट में जो है वो है गोल्ड प्लेटेड एंड पर्ल प्लेटेड ज्वेलरी, जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, और इसके साथ ये भी है जो मैंने अभी वेयर किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी गोल्ड और पर्ल की प्लेटेड ज्वेलरी है। सो ये आप अपने और अभी इसके साथ ये स्टड्स भी आएगा, मैं एक एक करके आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। पूरा का पूरा सेट मुझे 232 रुपीज़ में। सो आप एवरीडे अपना लुक चेंज कर सकते हो एंड इसे ज़्यादा स्टाइलिश दिख सकते हो, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये इयररिंग्स, जो दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादातर इसमें नज़र आते हैं। सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो इयररिंग्स है। सो गाइस, ये गोल्ड वाला इयररिंग जो है वो ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न दोनों पे सूट करता है, बहुत अच्छा है ये। सो गाइस, ये पर्ल एंड गोल्ड प्लेटेड है। सो ये छोटा वाला इयररिंग्स है, जिसको आप वेस्टर्न लुक के साथ वेयर कर सकते हो, और ये बहुत स्टाइलिश लगता है। आप देख सकते हो एकदम से लुक चेंज हो गया है, सो आई एम लविंग इट। और ये गाइस, ये बड़ा वाला है, और इसमें बहुत फ़र्क है, आप देखिए, और दोनों ही पर्ल और गोल्ड प्लेटेड है।
सो इसको आप ज़्यादातर जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा सेट है पूरा का पूरा। सो आप देखिए इससे भी काफ़ी हद तक लुक चेंज होता हो जाता है और बहुत अच्छा लुक देता है। और नेक्स्ट वन है हमारा ये गोल्ड वाला जो काफ़ी हद तक सिमिलर है बट सिमिलर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा थीन है और ये थोड़ा मोटा ईयरिंग है। सो आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क है, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। सो आप रनिंग बेसिक रूटीन वे में भी पहन सकते हो, ऑफिस में पहन सकते हो और इसको पहनने के बाद आपको कुछ भी भारीपन या कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। सो ये आप रनिंग में भी पहन सकते हो, ऑफिस में भी पहन सकते हो और ये बहुत ही सिंपल लुक देता है जो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में आता है हमारा ये वाला ईयरिंग। आप इसको पता है आपको ओल्ड मूवी में हीरोइन पहनती थी ये। सो अभी इसका फैशन फिर से चल पड़ा है सो और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। सो और पर्ल और गोल्ड की ज्वेलरी तो क्या कहने। देखिए इसको भी आप रनिंग बेसिक पे पहन सकते हो, जींस पे भी और ट्रेडिशनल पे भी, इट्स सो क्यूट। हमारा नेक्स्ट है ये स्टड्स जो अगर आपको ज़्यादातर साइज़ वाली ईयरिंग या लंबी आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें तीन कलर है, एक गोल्ड, डायमंड और एक कलरिंग। सो हम इसको ट्राई करेंगे। अगर आप कलरिंग पहनते हो तो ये आपको बहुत सूट करता है क्योंकि इसका हॉट लुक ही आपको फेस के आपको फीचर्स को चेंज कर देगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक देता है। और सेकंड वाला है ये गोल्ड, मैं आपको नज़दीक से दिखा सकती हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छा फ्लैट ईयरिंग है, आप इसको पहन के बहुत ही अच्छा लगेगा आपको लगेगा कि आपने कुछ कान में वेयर ही नहीं किया है। सो इट्स सो स्वीट एंड क्यूट लिटल स्टड्स। ये देखिए और ये शाइन भी करता है तो बहुत स्टाइलिश लगता है। तो नेक्स्ट में आता है ये डायमंड जो मेरा बहुत 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 फेवरेट है, मेरा ही नहीं डायमंड हर एक गर्ल का फेवरेट होता है। सो ये मेरा बहुत फेवरेट है, जब भी मैं वाइट या ब्लैक पहनती हूँ सो इसको ज़रूर वेयर करती हूँ। सो ये लगता ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल है और इसका लुक बहुत अच्छा कवर देता है, बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैंने डायमंड्स का ईयरिंग पहना है। सो बेसिकली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका कोड मैं आपको अगर आप चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप देख लेना। और सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ऐसे ही और वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।